स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लॉस्ट एंड फाउंड का टॉपिक एंड लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस का फॉर्मेट जानेंगे और उसके दो एग्जांपल्स मैं आपको सोल्व करके इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ जाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट। वी विल लर्न टूडे लॉस्ट फाउंड नोटिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग नोटिस। We will make a box as you know. After that write the name of organization. Organization का नाम लिखें, then write word notice. उसके बाद डालेंगे third line में date. Then write lost or found, यानी कि subject, हमारे notice का subject. ये हम पिछली वीडियो में भी अच्छी तरह से देख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो आपने अगर वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पर जाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी, उस पर जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद हम बॉडी ऑफ द नोटिस लिखेंगे और बॉडी में हमें क्या क्या बताना है, हमें बताना है कि हमें क्या, हमारा क्या लॉस्ट हुआ है या क्या फाउंड हमने किया है, कब हुआ, कहाँ हुआ, उस जो भी वस्तु हमारे पास है उसकी थोड़ी बहुत डिटेल देनी है और फिर बताना है कि उसको हम कैसे रिटर्न करें या फिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में राइटर का नाम आएगा और उसकी दूसरी डिटेल्स आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्पेसिमेन वन। यू आर देविका ऑफ 9th क्लास। यू हैव फाउंड ए वाटर बॉटल इन योर स्कूल। राइट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर वाटर बॉटल की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मे बी पर्स हो सकता है, मे बी पेन हो सकता है, मे बी ज्योमेट्री बॉक्स, मे बी लंच बॉक्स। तो किसी भी चीज़ का आपको लिखना पड़े आप इसी तरह से, इसी तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले वी विल मेक अ बॉक्स एंड देन वी विल राइट GSS काइला, बिकॉज स्कूल नेम इज़ नॉट गिवन हेयर, तो हम अपने ही स्कूल का नाम लिख रहे हैं यहाँ पर GSS काइला। देन राइट नोटिस वर्ड, वर्ड नोटिस लिखा हमने NOTICE। ध्यान दें आप सभी जो ये वर्ड हैं इसके सभी लेटर्स जो हैं मैंने कैपिटल ABCD में लिखे हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं, तो आपको भी ऐसे ही करना है। देन राइट डेट एंड राइट लॉस्ट एंड फाउंड। तो हमारे नोटिस का सब्जेक्ट है लॉस्ट और फाउंड। देन आई विल स्टार्ट, आई फाउंड ए वाटर बॉटल। आपने जो भी चीज़ को प्राप्त किया है, जो भी आपको मिली है, उस चीज़ का नाम यहाँ आ जाएगा। आई फाउंड ए वाटर बॉटल ऑफ, कौन सी कंपनी की है, किस तरह की है, ऑफ अ मिल्टन कंपनी। कब मिली, कब से पहले, डेट से पहले हम प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन 14th May 2020। कहाँ पर मिली, इन स्कूल, स्कूल में मिल गई। तो अब और ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, जिसका जो मालिक है वो अपने आप बता देगा, उससे पूछ लिया जाएगा जब वो आपसे लेने आएगा या ऑफिस से लेने आएगा कि वो कैसे कलर की है भाई, कितने लीटर की है। ये सब डिटेल आपको देने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। एनी बडी हु लॉस्ट इट, कोई भी व्यक्ति जिसकी ये गुम हुई हो, कैन कलेक्ट इट फ्रॉम स्कूल ऑफिस आफ्टर टेलिंग डिटेल्स रिगार्डिंग इट। अब जिसकी ये चीज़ है, जिसकी ये वस्तु है, उसको डिटेल देनी है ऑफिस में आके और वो अपने सामान ले जा सकता है वहाँ से। देन राइट हेयर द नेम ऑफ द राइटर, जो हमारी देविका थी, यहाँ पर लिखा हुआ था देविका है, 9th क्लास की स्टूडेंट है, और आप उसका रोल नंबर भी लिख देंगे। ओके, अंडरस्टैंड, वेरी गुड। अभी हमने फाउंड का नोटिस लिखा था, अब हम लिखते हैं लॉस्ट, अगर कोई वस्तु हो जाती तो कैसे नोटिस लिखेंगे उसके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। यू आर देविका ऑफ 9th क्लास। यू हैव लॉस्ट योर वाटर बॉटल इन स्कूल। प्रोबेबली संभवतः यू लेफ्ट इट इन द बास्केटबॉल कोर्ट। अब इसने ये भी बताया कि आपने शायद कहाँ छोड़ी है अपनी बॉटल। राइट अ नोटिस टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। तो एक नोटिस लिखो ताकि उसे पुट अप किया जा सके आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पर। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, आपको याद हो चुका होगा अब तक, हम वी विल मेक अ बॉक्स, 3-साइडेड बॉक्स बनाया और उसको 4th साइड से उसे लिखने के बाद बंद करेंगे। फिर सबसे पहले हम लिखेंगे किसका नाम, स्कूल का नाम। यहाँ पर कोई इसी स्कूल का नाम नहीं दे रखा है तो हम अपने स्कूल का नाम लिख रहे हैं यहाँ पर GSS काइला। अगर यहाँ पर किसी और स्कूल का नाम दे रखा होता तो उसी स्कूल का नाम लिखते जो स्कूल का नाम हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। देन राइट द वर्ड नोटिस। देन आफ्टर दैट वी विल राइट डेट एंड हेयर नॉट फाउंड वी कैन वी विल राइट हेयर लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। अंडरस्टैंड। देन आई लॉस्ट, अब मैंने गुम कर दी, क्या गुम कर दी, ए 500 मिलीलीटर मिल्टन स्टील फ्लास्क ऑन
अपडेट डाली गई है यहाँ पर, May 14, 2020, प्रोबेबली आई लेफ्ट इट इन द बास्केटबॉल कोर्ट। ये लाइन हमने यहीं से ली है, प्रोबेबली यू लेफ्ट था यहाँ पर, यू की जगह पे अब आप आई बन गए हैं, क्योंकि अब अपने बारे में लिख रहे हैं कि मैंने इसको छोड़ दिया था शायद इसे बास्केटबॉल कोर्ट में। तो द बोटल इज़, अब थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी होती है हमें, हम थोड़ा बोटल के बारे में बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि वो कैसे कलर की है। तो बोटल इज़ ऑफ रेड कलर। एनी बडी, उसके बाद हम बताएंगे कि जो जिसको मिले वो कहाँ पर क्या कुछ करे। एनी बडी हु फाइंड्स इट मे काइंडली रिटर्न इट टू मी, वो मुझे भी वापस कर सकता है, और डिपॉजिट इट इन द स्कूल ऑफिस, या फिर वो स्कूल के ऑफिस में इसको डिपॉजिट कर सकता है। आई प्रोमिस अ ट्रीट टू द फाइंडर, जिसे भी ये बोतल मिलेगी मैं उसे एक अच्छी खासी पार्टी दूंगा अपने स्कूल कैंटीन में। एंड एट द लास्ट वी विल राइट द नेम ऑफ द राइटर, इस नोटिस के राइटर का नाम था देविका जो 9th क्लास की थी, और उसका रोल नंबर भी लिख देंगे आप। तो दिस इज आर नोटिस कंप्लीटेड। नाउ लेट्स डू वन प्रैक्टिस, आई विल गिव यू होमवर्क, उसमें आप करके देखेंगे कि यू आर पिंकी, यू हैव लॉस्ट योर पेन, वो पायलट पेन था, इन द स्कूल लाइब्रेरी, राइट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल। अब आप इस काम को करके देखिए, अगर आप इसे कर पाते हैं और आपको अच्छे से आ गया है देन इट्स ओके, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिए। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।